मध्य प्रदेश के सारणी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा मठार देव के दर्शन करने वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बाबा का आशीर्वाद और कृपा समस्त प्रदेशवासियों पर अनवरत बरसती रहे, हर किसी को सुख समृद्धि प्राप्त हो, खुशहाली बनी रहे, यही कामना मैं करता हूं। और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि बहनें भी राजनीति में अपना नाम कमा पाएं, इसीलिए हमने फैसला किया था कि स्थानीय निकाय के जितने भी चुनाव होंगे उनमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की राशि केवल 1,000 रुपए तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे हम धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3,000 रुपए तक लेकर जाएंगे। कई बहनें बैठी है क्योंकि हमने तय किया कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको सरपंच बनना चाहिए, जनपद में जाना चाहिए, जिला पंचायत में जाना चाहिए, नगर पालिका नगर निगम में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे लड़ना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही नहीं लड़ रही है बहने। मेरी बहनों तुम्हें पता है पहले बहनों को कोई चुनाव ही नहीं लड़ने देता था, घर में बैठ। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे, तू तो रोटी बना। तब हमने एक व्यवस्था की कि जितने भी पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव होंगे उन चुनाव में आधी सीटों पर केवल बहनें लड़ेंगी, वहां भाई खड़े नहीं हो सकते।